Hello everyone, you are most welcome again on my channel, and today I am going to help you in remembering all the works by Anita Desai. Anita Desai ke sare works aapko is story se yaad ho jayenge, bas aapko ise picturize karna hai. Dhyan se is story ko suniye. Jo ye hai, ye Anita Desai hai, uske haath mein ek diamond hai aur wo ja rahi hai Ithaca. Alright, here we have Anita Desai. She is having here a diamond, big diamond, and she is going to Ithaca थ्रू जिगजैग वेज से जा रही है. यहाँ पे एक विलेज भी है, ठीक है. आप चाहे तो खुद से बना सकते हैं विलेज. यहाँ पे एक सी है, यहाँ पे एक बोट है, और उस बोट में एक कैट है. ओके, रिमेम्बर दिस वन, कैट. सी, यहाँ पे आपको सी नजर आ रहा होगा, जिगजैग वेज समझ में आ गया होगा. जब वो जा रही है तो काफी अच्छा सन है, सनी डे है, क्लियर लाइट है, और उसने एक ब्लैक बर्ड को देखा यहाँ पे, और उसे उन्होंने बाय बाय कह दिया. ओके, नाउ शी इज गोइंग टू इथाका. इथाका वो जा किसके लिए रही है? यहाँ पे एक बॉम गार्टर है, वो नाम है किसी का बॉम गार्टर, वो कस्टडी में है और वो फास्टिंग कर रहा है. यहाँ पे कौन है? बॉम गार्टर कस्टडी में है और फास्टिंग कर रहा है. अब आपको देखना है कि वो जा रही है इथाका, और जो यहीं पे बगल में एक माउंटेन भी है और उस पर आग लगी हुई है, और उसमें एक पिकॉक है जो कि जल गया है, ठीक है. वहां पे गार्डन भी है उस माउंटेन में, और वो जो पिकॉक है वो जल रहा है वहां पे. तो ये पूरी स्टोरी है, और साथ में वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड भी है कि ठीक है, इस बार तो मैं इथाका जा रही हूँ, लेकिन अगली बार, अगले जो समर होगा वहां कहाँ जाऊंगी मैं? वेयर शेल वी गो दिस समर? कि जो समर आएंगे वहां कहाँ जाएंगे? अब चलिए, ये पूरी स्टोरी आपको दिमाग में बैठ गई होगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है. और वो इस सिटी का, जो यहाँ पे विलेज है उसके नियर बाय सिटी की आवाजें भी सुन रही है. शी इज लिसनिंग टू वॉइस ऑफ सिटी. और वो सोचती है कि मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, इथाका जा रही हूँ, अगले उसमें समर में जाऊंगी, अगले समर में कहाँ जाऊंगी, लेकिन इस बार मैं गायब होके जाऊंगी, आर्टिस्ट, और डिसअपियर होके जाऊंगी. ऑलराइट, सो होपफुली यू गॉट द आइडिया. सारा इसे पिक्चराइजेशन कर लीजिए. अब चलते हैं इसके पूरे वर्क्स में. अब यहाँ पर देखते हैं कि आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस, आपको ध्यान आ रहा होगा, जिगजैग वेज से वो जा रही थी. डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज, डायमंड से याद आ जाएगा आपको. फास्टिंग कौन कर रहा था? फास्टिंग इथाका में जो कस्टडी में था. जर्नी टू इथाका वो जा रही है. बॉम गार्टर्स बॉम्बे, बॉम गार्टर वहाँ इथाका में, आप लोगों को याद रहेगा. इन कस्टडी भी याद रहेगी. अ विलेज बाय द सी, सी के नियर बाय आपको विलेज दिखा होगा. क्लियर लाइट ऑफ द डे, बिल्कुल लाइट में जा रही थी वो. गेम्स ऑफ ट्विलाइट, इसे आपको याद करना पड़ेगा. फायर ऑन माउंटेन, मैं भूल गया इसे मेंशन करना. और फायर ऑन माउंटेन में आग लगी हुई है. कैट ऑन हाउस बोट, जो नीचे हाउस बोट में एक कैट थी, आपने देखा होगा, और वो कंफ्यूज थी कि वेयर शेल वी गो दिस समर, याद रहेगा आप लोगों को. दे पिकॉक गार्डन में पिकॉक जो जल गया था, ठीक है. और क्राई द पिकॉक से आपको याद रहेगा कि पिकॉक इन गार्डन और क्राई द पिकॉक. और वॉइसेस इन द सिटी, ये भी आपको याद रहेगा जो उस सुन रही थी. और एक ब्लैक बर्ड जिसे वो बाय बाय कर रही थी. सो होपफुली आपको ये सारी वर्क्स याद हो गए होंगे. एंड आई विश यू गुड लक फॉर एग्जाम्स. And see you soon in next video with some new shortcuts.